स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारी महायज्ञ सीरीज में, जिसमें आज हम करने वाले हैं आहुति 8। सो स्टूडेंट, आहुति थर्ड, आई होप आपने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आहुति थर्ड में हमने डिस्कस किए थे जनरल साइंस के क्वेश्चन, आज आहुति 8 में हम फिर वापस से जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए तपस्या स्टार्ट करते हैं फॉर योर सिलेक्शन इन RIMC एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अपना रजिस्टर प्रिपेयर कर लिया है तो टेक इट आउट एंड टेक योर पेंसिल इवन पेन। सो स्टूडेंट, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द एग्जाम लाइक RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, तो यू कैन ज्वाइन आवर हॉस्टल, इवन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट दैट इज www.geometryschool.in। यहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, पैकेजेस के जितना भी कॉस्ट है आपको यहां पर शो हो जाएगा। इवन आप इन नंबर पर भी कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ज्योमेट्री स्कूल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आप कैसे भी मोड में यहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी के साथ आप फिजिकल स्कूल में रहकर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स वहां स्टे कर सकते हैं, साथ ही लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हैं। हर कोर्स के लिए यहां पर लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं विद एक्सपर्ट फैकल्टी। सो स्टूडेंट, एडमिशन की बात करें तो नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड द बेस्ट फीचर ऑफ आवर हॉस्टल फैसिलिटी इज दैट यू डोंट हैव टू पे द अमाउंट इन बल्क। आप 1 मंथ फीस भी दे सकते हैं, 3 मंथ का पैकेज ले सकते हैं, 1 ईयर प्लान ले सकते हैं कंप्लीटली। आपको फुल यहाँ पर हाइजेनिक फूड आपको प्रॉपर मिलेगा, बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, साथ ही आपका डेली मिनी मॉक महामॉक एवरी संडे और थर्सडे कराया जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, इट कैन बी RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, इवन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट दैट इज www.geometryschool.in। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, किस तरीके से हमने कोर्सेज को बनाया हुआ है, क्या उनके अंदर है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स के नीचे आपके क्विजेज हैं पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, महामॉक यहां पर है, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट है, एग्जाम के टाइम पर आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे। इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज अपने GS सेक्शन के। हमारा RIMC में GK सेक्शन आता है जिसमें आपके जनरल साइंस के अप्रोक्स 17-20 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहां पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूं। आज हम अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे, इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना है, आप इन्हें फिलअप की फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द प्लास्टिक विच डू नॉट रीमोल्ड अगेन ऑन हीटिंग आर कोल्ड, वो प्लास्टिक जिनको वापस से रीमोल्ड नहीं किया जा सकता हीट करके, वो कौन सा प्लास्टिक होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और बोथ ऑफ दीज आर टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक। तो इफ वी टॉक अबाउट दैट वी कैन नॉट रीमोल्ड, जिसको हम रीमोल्ड करके अगेन शेप नहीं कर सकते हैं, दैट इज अवर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा बेकेलाइट एंड मेलेमाइन, आपका बेकेलाइट और मेलेमाइन इसी का ही एग्जाम्पल है। कौन सी प्लास्टिक का? दिस इज थर्मोसेटिंग। एक बार इसको हीट करके मोल्ड करके शेप दे दिया जाता है, फिर आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक लाइक पॉलिथीन, इनको आप चेंज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन बाय हीटिंग इनके शेप को, इसीलिए हम इन्हें इलेक्ट्रिक स्विचेस और टाइल्स में यूज करते हैं। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है जिसे आप हीट रेजिस्टेंट होती है, दैट्स व्हाई इन्हें इलेक्ट्रिक स्विचेस में भी यूज किया जाता है, टाइल्स में यूज किया जाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग इज डैश। स्टूडेंट, मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट ये हर तरह से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बार बार इसको चेंज करके पूछा जा रहा है, बट यहां पर मलेरिया को लेके काफी क्वेश्चंस आते हैं। अभी जून सेशन में भी क्वेश्चन था मलेरिया को लेके कि जो एंटी मलेरियल ड्रग है, ड्रग का नेम अभी हम मैं बताऊंगी, इवन आपको पता भी होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इवन आप वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट जरूर करें कि आपका 50 में से कितना स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चंस हैं जो आप करेक्ट कर पाए हैं आज मेरे बताने से पहले। तो जून में जो 3 जून को एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो कहां से ऑप्टेन किया जाता है, कहां से बनाया है, तो इट ऑप्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ चिंचोना ट्री। तो ये यहां पर क्वेश्चन आया था कि किस ट्री के बार्क से हम इसको बनाते हैं, तो दिस इज चिंचोना ट्री एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया दैट इज
क्लोरोक्विनोन, आई होप आपको ये पहले से पता होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर टू। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर रेस्पायरेशन इन डीप सी डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ विस गैस। यहाँ पर जो डीप सी में डाइवर्स जाते हैं वो रेस्पायरेशन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड और द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड फॉर एनर्जी। तो रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच यू विल टेक ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो डाइवर्स यहां पर जो गैस का मिक्सचर यूज करते हैं, व्हाट इज दैट? ऑक्सीजन एंड हीलियम। ऑक्सीजन एंड हीलियम को यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेलीऑक्स के फॉर्म में ये कंपाउंड आता है जो यूज करते हैं आप इसे। डाइवर्स जो यूज करते हैं सी डाइविंग के टाइम पर, तो मिक्सचर इज ऑक्सीजन एंड हीलियम का मिक्सचर यहां पर लेकर जाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर। व्हेन डज लूनर एक्लिप्स हैपन? लूनर एक्लिप्स आप जानते हैं, दिस इज चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है? लूनर एक्लिप्स कब होता है? हाफ मून पर, फुल मून पर, इक्विनॉक्स पर और नन ऑफ दीज। तो लूनर एक्लिप्स कब होगा? जब आपका लूनर एक्लिप्स मीन जब चंद्र को ग्रहण लगता है, मीन्स जब सन और मून के बीच में कंप्लीट अर्थ आ जाती है एट इट रिवॉल्यूशन टाइम। तो क्या होता है? देयर इज नो लाइट ऑन, तब मून की लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मून कहां से लाइट रिफ्लेक्ट करता है? बाय द रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन। तो यहां पर ये कब होता है? ऑन द फुल मून डे। लूनर एक्लिप्स हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को। और अभी भी ये हुआ था, अभी हमारा कुछ दिन पहले ही फुल मून डे पर क्या हुआ था? लूनर एक्लिप्स हुआ था। तो ये कब होता है? पूर्णिमा की रात को, और फुल मून डे, फुल मून नाइट जिसको हम कहते हैं। तो लूनर एक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन फुल मून। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली आफ्टर, यू नो दैट वी हैव अ एटमोसफेयर एंड द एटमोसफेयर व्हाट इज इट? दिस इज अवर अर्थ सरफेस एंड अबव दिस देर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमोसफेयर एंड दिस एटमोसफेयर कंटेन्स मैनी लेयर्स। तो यहां पर पूछा गया है कि द टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली आफ्टर, किस लेयर के बाद टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है? तो इफ वी टॉक अबाउट अवर फर्स्ट लेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, देन योर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो किस लेयर के बाद आपका इंक्रीजेस तेजी से होने लगता है? तो दिस इज योर आइनोस्फेयर इज द लेयर जहां पर तेजी से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो आइनोस्फेयर जहां पर आपकी कॉस्मिक रेज, सोलर रेडिएशन आती हैं, दैट लेयर इज नोन एज योर आइनोस्फेयर। तो यहां पर तेजी से टेम्परेचर इंक्रीज करता है वापस से। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेरिया इज कोज्ड बाय, फ्लेरिया इज अ डिजीज दैट इज कोज्ड ड्यू टू द वर्म्स। ये डिजीज होती है ड्यू टू द वर्म्स। प्रोटोजोन नहीं कोज करते हैं इसको, वायरस भी नहीं। इट इज ड्यू टू अकर ड्यू टू द वर्म्स एंड इट इज नोन एज फिलियरेसिस। फिलियरेसिस डिजीज होती है जो होती है ड्यू टू द वर्म्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस डिजीज। ये डिजीज नीमाटोड्स की वजह से होती है। नीमाटोड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक एट द ऑर्गेनिज दैट आर कैरेक्टराइज अंडर द नीमाटोड, दे आर द वर्म्स। लाइक प्लेटी वर्म्स होते हैं आपके, फ्लैट वर्म्स होते हैं। तो फ्लेरिया इज कॉज्ड बाय द वर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4। विच वन इज नॉट अ कार्बन डाइओ, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो हमारी नाइट्रोजन मोस्ट अबेंडेंट अमाउंट में है, 78%। तो दिस इज नॉट अवर ग्रीन हाउस गैस दैट डू नॉट कोज द वार्मिंग ऑफ अवर एटमोसफेयर। ये हमारे एटमोसफेयर को वार्म नहीं करती है। तो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज देर इज अ क्वेश्चन विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following act as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun? You know that solar radiation में हमारा number of rays हमारे पास तक आता है, UV radiations, infrared radiation। तो कौन सा है जो act as a shield, act as a barrier, barrier की तरह work करता है, जो हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन दैट इज यूवी रेडिएशन दैट कोज स्किन कैंसर टू अस, तो हमें बचाता है। तो अभी हमने एटमॉस्फेयर की बात करी थी, फर्स्ट वन इज ट्रॉप
ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है आपकी ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यहां पर ओजोन होल अगर ये बढ़ जाता है तो इसकी वजह से यूवी रेज हम तक पहुंचने लगती है। तो कौन है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा? ओजोन होल इज द शील्ड एब्जॉर्बिंग दैट एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके, और ये किस लेयर में पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो किस लेयर में प्रेजेंट होती है? तो दैट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जब आप मूव करेंगे 50 अबव तो आपको यहां पर ओजोन लेयर मिलेगी जो एक्ट एज अ शील्ड काम करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ब्रेड मोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ब्रेड मोल्ड आप जानते हैं जो आपकी चपाती पर लग जाती है, ब्रेड पर आपका जो लग जाती है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वॉट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म? दैट इज राइजोपस। राइजोपस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ब्रेड मोल्ड एंड इट इज अ टाइप ऑफ फंगस। ब्रेड मोल्ड इज अ फंगस। ये फंगस है जिसका नेम है राइजोपस, जो आपकी ब्रेड पर आप या चपाती पर ग्रीन ग्रीन कलर का क्लस्टर देखते हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ दिस फंगस। यू कैन सी इट विद द नेक्ड आईज। ग्रीन कलर का आप ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नहीं है, आप इसे इजिली नेक्ड आई से देख सकते हैं, कॉलोनी में रहती हैं। तो ब्रेड मोल्ड मीन्स राइजोपस इज अ टाइप ऑफ फंगस दैट स्पॉइल योर ब्रेड और चपाती। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who discovered that when a compass needle is kept nearer to an electric circuit in which current is flowing, it deflect? There is a compass needle जो deflect करती है due to the passage of electric current, तो ये deflect करती है। ये किसने discover किया था, किसने ये invent किया है कि जो compass needle होती है वो electric circuit, जहां पर भी electric circuit generate हो उसके magnetic field में अगर आप रखते हैं तो जो current flowing हो रहा है उसकी वजह से जो ये needle है deflect होने लग जाती है। तो ये किसने ने बताया था? माइकल फेराडे, गैलीलियो, न्यूटन और द एक्सपेरिमेंट ऑफ हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड discovered it that when there is any current flowing in a circuit the compass needle will deflect. So it was discovered by Hans Christian Ørsted. Important question है, RIMC में पहले भी पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटरी और टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी से। आरआईएमसी एवरी ईयर बहुत सारे क्वेश्चन देती है, चाहे वो ब्रेन से हो, हार्ट से हो, किडनी से हो या आपका कोई भी ग्लैंड हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एवरी ईयर। तो ये क्वेश्चन लग जाएगा एग्जाम में, तो आप इस तरह के फंक्शंस ऑफ बॉडी से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड आहुति में भी हमने बहुत सारी बॉडी की डिजीज डिस्कस करी थी, क्योंकि एवरी टाइम एवरी ईयर यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज एंड द बॉडी फंक्शन पार्ट। तो डैश एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटरी और द टेम्परेचर कंट्रोल। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट या बॉडी का कौन सा पार्ट टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का? दिस इज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और द पोन्स। हाइपोथैलेमस इज द रीजन दैट विल और द टेम्परेचर कंट्रोल, यहीं से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर चलता है। तो हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड अ पॉलीअमाइड? किसको यहां पर पॉलीअमाइड, अमाइड की अमीन की, पॉली मीन्स पॉलीमेरिक यूनिट और द नंबर ऑफ लोमोट्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, जब बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट एक साथ मिलती हैं तो दैट फॉर्म अ पॉलीमर। तो पॉलीअमाइड किसको कॉमनली कहा जाता है? रेयन को, टेरेलिन को, ओरलोन को, नायलॉन। तो करेक्ट आंसर इज नायलॉन इज नोन एज पॉलीअमाइड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Move on to the next question. Phosphorus is very reactive non-metal. It react vigorously with air, so it is stored in. Again, very important question from metals and non-metals से, ये बहुत ही important question है। हर बार एक question आता है metals and non-metals से। तो phosphorus, आधी information इन्होंने आपको दे दी है, ये एक non-metal है, the symbol is P। ये vigorously air के साथ react कर जाता है, so इसे store करके रखा जाता है in dash alcohol, water, kerosene, none of them। So answer is B, water। आप इसके pure form को cap करके रखते हैं water में। You know that phosphorus basically use होता है explosives में, हम इसको use करते हैं as a explosive, क्योंकि ये atmosphere के presence में आते ही pressure feel करके ये एकदम से burn हो जाता है, इसलिए इन्हें explosive में use किया जाता है। कभी कभी आपने देखा भी होगा phosphorus की वजह से कभी कभी जो crackers होते हैं pressure पड़ने की वजह से खुद से explode हो जाते हैं, तो इन्हें store करके रखा जाता है phosphorus को water में। Kerosene
का भी इम्पोर्टेंट है, मेटल होता है आपका सोडियम Na एंड पोटेशियम K. सोडियम एंड पोटेशियम आर द हाईली रिएक्टिव मेटल विद ऑक्सीजन, सो दे स्टोर्ड अंडर केरोसिन, इसलिए उन्हें केरोसिन में डिप करके रखा जाता है. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस को वाटर में और केरोसिन में रखे जाते हैं सोडियम और पोटेशियम को. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन, दिस इज योर एंटा एसिड. आप इसे लेते हैं एट द कंडीशन व्हेन यू फील एसिडिटी, तो एसिडिटी के टाइम पर आप इसे लेते हैं, तो ये किस में मिलता है? तो जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इंटेक करते हैं किसकी फॉर्म में? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम रिबन और ऑल ऑफ दीज. सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द करेक्ट आंसर. दिस इज योर एंटा एसिड जिसके अंदर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. ये क्या करता है? दिस इज अ बेस, तो ये क्या करता है? एसिड जो आपके अंदर हो रहा है उसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है? बॉडी के पीएच को न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी फील नहीं होती. आपकी पीएच जो है एसिड हो चुकी थी 7 से जो कम हो चुकी थी, और बेस आपने लिया 7 से 14 तक, तो ये आपकी पीएच को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी फील नहीं होती. दैट्स वाई दिस इज नोन एज एंटा एसिड. इसमें आपका एग्जाम्पल है जैसे आप डाइजीन के टैबलेट्स लेते हो, ठीक है, वो आपकी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के काम आती है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Move on to the next question. Which gland secrete the insulin hormone? हमारी body की कौन सी gland? Glands are the organ that secrete something. It can be hormone or it can be any fluid. तो यहाँ पर वो कौन सी gland है जो insulin secrete करती है? Insulin is a hormone that is used for the metabolism of glucose. Pineal gland, stomach, pancreas, thymus. So correct answer is pancreas. Pancreas आपकी बच्चों एक important information है यहाँ पर. Pancreas is your exocrine as well as your endocrine gland. ये exocrine भी है और endocrine भी है. Exocrine इसलिए क्योंकि ये duct में secrete करती है pancreatic juice जो आपके digestion में काम आते हैं, और endocrine इसलिए because it is a type of also a ductless gland which secrete a hormone that is known as insulin. क्योंकि hormone blood में secrete होते हैं, duct में नहीं, तो endocrine gland होती है आपकी ductless gland. तो ये कौन सा hormone secrete करती है? Insulin, जो glucose के metabolism में help करता है, diabetes से बचाता है. तो पैंक्रियास के पास कौन सी सेल होती हैं जो यहां पर सिक्रीट करती है इंसुलिन? तो दिस इज इसलेट ऑफ लैंगरहैंस. इसलेट ऑफ लैंगरहैंस इन्हें नाम दिया जाता है, एंड टू टाइप, अल्फा और बीटा. तो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन पैंक्रियास टू सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज नोन एज इंसुलिन. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ सबमरीन. सबमरीन में जब आप होते हैं तो सरफेस के ऑब्जेक्ट को वॉच करने के लिए आप क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो सबमरीन में क्या लगा होता है? सबमरीन में लगा होता है एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू सी द सरफेस ऑब्जेक्ट, जिसमें क्योंकि सबमरीन तो कहाँ होती है? दिस इज डिप इन द वॉटर, तो आप बार बार ऊपर आके इसको नहीं लेके आती, ये नीचे से ही नेविगेट करती है. तो इसमें लगे होते हैं आपके पेरिस्कोप. पेरिस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स. ये ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर लगे हुए होते हैं, देखने के काम आते हैं, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का. यहाँ पर इसमें मिरर लगे होते हैं एट द 45 डिग्री, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज पहले यहाँ बनती है, इमेज वन, फिर इमेज वन एक्ट करती है ऑब्जेक्ट फॉर मिरर टू, और इस तरीके से यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है वो उसे देख सकता है. तो पेरिस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू सी द थिंग्स ऑन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. So option A is correct. Student, mark it very important. ये question RIMC ने बहुत बार पूछा है, 3 जून को भी पूछा था. अब ये question दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि periscope हम कहाँ use करते हैं? तो ये आपके submarine में भी use होते हैं, bunkers में भी use करते हैं, even जो आपके endoscopes होते हैं. Endoscope means जो doctors use करते हैं to see the internal organ, वहाँ पे भी periscope mirror लगाए जाते हैं. तो इस तरह से अब की बार इनकी application करके पूछ सकते हैं, क्योंकि RIMC में जून में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दिसंबर में भी रिपीट होते हैं. सो नेक्स्ट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. टैश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लीफ. ये लीफ का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, एंड मोस्टली ऑल द फंक्शंस ऑफ द लीफ आर कैरिड बाय दिस पेटियोल, लीफ बेस, मेन वेन, लैमिना. सो करेक्ट आंसर इज योर लैमिना. लैमिना इज द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लीफ विच कैरिड आउट ऑल द इंपोर्टेंट फंक्शन. जितना भी लीफ के सरफेस से वर्क होता है वो सारा लैमिना से होता है. तो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि
फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स प्लस फंक्शंस ऑफ प्लांट पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से. सो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is a grass-like aquatic plant with woody stem used as a writing material in ancient time called? Ancient time में आपका एक plant है, aquatic plant जो use जिसके woody stem, जब उनके stem बिल्कुल mature हो जाते हैं, woody हो जाते हैं, तब इन्हें cut करके sheets में convert कर लिया जाता था. और पुराने समय में जब तक paper का invention नहीं हुआ था, तब इन्हें as a writing material use किया जाता. तो what kind of plant is this? Teak, papyrus, bonsai, giant sequoia. तो correct answer is this plant is papyrus. तो papyrus is the aquatic plant that is used for writing material in ancient time. तो bonsai तो technique होती है जो small plants, बड़े-बड़े plants का bonsai तैयार किया जाता है, जो छोटे ही plant fruit भी देने लगते हैं. जायंट स्क्वेयर्स की बात करें तो ये आपका थर्ड ओल्डेस्ट प्लांट भी हैं, जो अप टू 3600 ईयर्स पुराने हैं. बहुत बड़ा इनका बार्क होता है, ये अपने बार्क में मोस्ट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं और लंबे समय तक जीते हैं. तो पेपायरस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यूज्ड टू फॉर राइटिंग मटीरियल. सो स्टूडेंट, देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. सैनिक स्कूल और आरएमएस का अगर आपको क्वेश्चन का भंडार चाहिए तो यू कैन टेक अवर एनी कोर्स, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विजेस, इसके लिए आपको विजिट करनी होगी हमारी वेबसाइट, दैट इज www.geometryschool.in. यहां पर अगर आप किसी भी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, मॉक टेस्ट, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट का, इवन मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश इफ यू हैव चूजन द मोड इंग्लिश, either if you have chosen the mode Hindi, you can also get questions for there. Bharpoor questions, because इस time पर जब आपका exam January में होने वाला है, hardly 1 month आपके पास बचा हुआ है, सबसे ज्यादा जरूरत है आपको lots of question की practice करने की. बस आपके सामने question हो, आप उसके correct answer को hit करें, OMR को fill करें, सबसे ज्यादा selection के chances आप इसी technique पर based हैं. तो अगर आपको lots of question चाहिए तो you can buy our question package, तो उसमें आपको full quizzes मिल जाएंगी. Packages की बात करें तो कोर्सेज हमारे पास ये हैं, आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह के कोर्स मिलेंगे. 6th क्लास के लिए आपका कंप्लीट पैकेज है परमवीर, जिसमें आपको वीडियोस के साथ साथ ये सारी चीजें मिलेंगी. सैनिक क्लास 6 के लिए महावीर है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होंगी, सारा जितना भी आपको एग्जाम बूस्टर, प्रीवियस ईयर के पेपर है, वो सब आपको यहां मिल जाएंगे. वीर में आपको टॉपिक वाइज क्विज नहीं मिलेंगी, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होगा, लाइव टेस्ट होगा और एग्जाम बूस्टर भी मिलेगा, जो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप उसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम से जस्ट पहले आप 1-2 दिन पहले उनको कर सकते हैं. तो 6th क्लास के लिए सैनिक के लिए परमवीर, महावीर और वीर कोर्सेज है हमारे पास. इसी तरह आप आरएमएस 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देयर इज अ जैगवर कोर्स, जो आपका कंप्लीट कोर्स है. रुद्रा आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज है, जो आपके इस टाइम पर वर्क करने वाली है. बट अगर आप फुल ईयर से तैयारी कर रहे हैं तो जैगवर विल वेरी हेल्पफुल फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल. नेक्स्ट, राष्ट्रीय मिलिट्री 6th क्लास के लिए आप चिनूक परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको वही कंप्लीट कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, टॉपिक वाइज क्विजेज, ऑल द क्विजेज, लाइव क्लास, टाइम टेबल तेजस में मिलेगा आपको फॉर दिस टाइम के लिए. इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट. 9th क्लास अगर आप सैनिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बॉयज, तो यहाँ पर यूपी सैनिक के लिए गर्ल्स भी कर रही हैं, और अगर बॉयज सैनिक के लिए कर रहे हैं तो अशोका स्कूल में अशोका वाला आपको मिलेगा, जिसमें कंप्लीट कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है. उसके बाद आप कीर्ति कोर्स परचेज कर सकते हैं इस टाइम पर, जो काफी हेल्पफुल होगा. शौर्य कोर्स में आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स अब अवेल कर सकते हैं. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC के लिए हमारा कंप्लीट पैकेज है, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, GK का कंप्लीट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ 285 लेक्चर्स एंड कंप्लीट क्विजेस. तो आप ये कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है और अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which hormone in human body control the supply of sugar from the blood to the muscles? कौन सा हार्मोन है जो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल करता है द शुगर फ्रॉम द ब्लड? अभी हमने बात की थी पेंक्रियाज एक हार्मोन सिक्रीट करता है, तो शुगर के लिए जो सप्लाई ऑफ शुगर को मेंटेन रखे, कंट्रोल करे, आपको डायबिटीज से बचाए, तो दैट इज योर इंसुलिन. इंसुलिन इज द हार्मोन दैट विल यूज टू मेटाबोलाइज द शुगर. सो ए इज द करेक्ट आंसर. Which element is present in organic compounds? आपकी organic chemistry, organic compounds का जो एक main element है, जो किसी भी तरह के chemical में आपको मिलेगा, तो we can say that the main part of organic chemistry is
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहां पर करेक्ट आंसर है आपका कार्बन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, यहां पर आपका कोई भी प्रोटीन है, तो सबका जो मेन यहां पर पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज कार्बन। बिकॉज कार्बन हैज अ पावर ऑफ कैटिनेशन, इट कैन फॉर्म कंपाउंड विद बाय कंबाइनिंग इट्स फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज द वेरी करेक्ट आंसर। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। द कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? यहां पर सोडियम कार्बोनेट को किस कॉमन नेम से जाना जाता है? वॉशिंग सोडा, सोप, सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो Na2CO3 इज द केमिकल फॉर्मूला एंड इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोप अगर हम बात करें तो C17H35CO, और यहां पर Na पॉजिटिव भी हो सकता है कि पॉजिटिव भी, क्योंकि डिपेंड करता है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट और हार्ड सब्सटेंस। सोडियम इज योर NaCl। ब्लीचिंग पाउडर नहीं कहते हैं क्योंकि करेक्ट आंसर है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करें तो CaClO का होल ट्वाइस, तो दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका कॉमन नेम है? वॉशिंग सोडा का, जो आप वॉशिंग डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RIMC एंड RMS एज वेल। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता था किसको? चरक, सुश्रुता, वैद्य, वॉल्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RMS और RIMC दोनों के लिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी इज सुश्रुता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है इस बार ये क्वेश्चन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विल्हेम कोनाड रोंगटेन इन्वेंटेड द ब्लड प्रेशर मशीन, माइक्रोवेव मशीन, हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, एक्सरे मशीन, टेलीस्कोप। तो यहां पर विल्हेम कोनाड रोंगटेन ने इन्वेंट की थी कौन सी मशीन? एक्सरे मशीन टू विजुअलाइज द योर बोन्स। अगर हमें अपनी बोन्स की इंटरनल स्टडी करनी होती है तो वी विल यूज अ मशीन दैट इज एक्सरे मशीन। तो इट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय विल्हेम रोंगटेन। विल्हेम कोनाड के नाम से भी आ सकता है एग्जाम में, या रोंगटेन, एक साइंटिफिक डिवाइस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो करेक्ट आंसर इज एक्सरे मशीन। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है? हर्पेटोलॉजी, बॉटनी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो ऑर्निथोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। इवन द पॉलिनेशन ड्यू टू द बर्ड्स इज ऑल्सो केम अंडर द ऑर्निथोपोली। तो ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी करना कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन RIMC में आते हैं। Which Indian scientist invented the crescograph, which is used to measure the growth and response in plant? अगर आपको प्लांट का ग्रोथ और रेस्पॉन्स देखना है तो किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ? ये भी पूछ लिया जाता है क्रेस्कोग्राफ क्या करता है। तो इट इज यूज टू मेजर द ग्रोथ एंड रेस्पॉन्स इन प्लांट। तो हु वाज द साइंटिस्ट? CV रमन, जगदीश चंद्र बसु और बोस, होमी बाबा, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो करेक्ट आंसर इज जगदीश चंद्र बसु और जगदीश चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही क्रेस्कोग्राफ का इन्वेंशन किया था टू शो द सेंसेशन इन प्लांट्स ऑल्सो। तो जगदीश चंद्र बसु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B1 इज नोन एज, बाय विटामिन B1 जो है इसका केमिकल नेम क्या है? पैराडॉक्साइन, रेटिनॉल, नियासिन, थायमिन। एवरी ईयर डेफिशिएंसी डिजीज से और माइक्रोबियल डिजीज से एक क्वेश्चन आता है। तो डेफिशिएंसी डिजीज आपकी जो ड्यू टू द लैकनेस ऑफ विटामिंस होती है, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है कि विटामिन B1 नहीं है तो आपको कौन सा डिजीज हो जाएगा, लाइक बेरी बेरी। तो इसका यहाँ पर केमिकल नेम क्या है? तो अगर हम बात करें तो केमिकल नेम इज थायमिन। B1 इज द केमिकल नेम, थायमिन इज द केमिकल नेम ऑफ B1। पैराडॉक्सिन की बात करें तो इट इज B6। रेटिनॉल की बात करें तो इट इज विटामिन ए। नियासिन की बात करें तो इट इज विटामिन B3। तो विटामिन बी के आपको पता है कॉम्प्लेक्स होते हैं B1, B2, B3, B5, B7, B12 और इनके कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसी तरह बी के। तो B1 से आपको बैरी बैरी हो जाता है और इसका केमिकल नेम है थायमिन। तो B1 का जो यहां केमिकल नेम है वो है थायमिन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन. अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर आपको अमाउंट ऑफ शुगर मेजर करना है, डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर, स्टेटोस्कोप, सैक्रीमीटर, सेक्सटेंट. तो सैक्रीमीटर बेसिकली आपके जो सुक्रोज होते हैं दे आर द कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सैक्राइड्स, उनको हम बोलते हैं. तो सैक्रीन मीन्स शुगर. तो शुगर का डिटेक्शन यहां करने के लिए यू हैव टू यूज अ मीटर दैट इज नोन एज सैक्रीमीटर, बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स आर नोन एज सैक्राइड्स, लाइक पॉलीसैक्राइड्स. ठीक है, पॉलीसैक्राइड आपका होता है, जैसे कि आप बात करते हैं, पॉलीसैक्राइड इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ शुगर दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू द अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, देन सुक्रोज विल कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज, देन ग्लूकोज. तो सैक्रीमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस देन इट इज अ, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है विदाउट नो रेजिस्टेंस, क्योंकि जो आपके यहां पर रेजिस्टेंस नहीं होता है और टेम्परेचर बढ़ने पर अगर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं वॉट इज दैट सब्सटेंस? कंडक्टर, दे आर द सेमी कंडक्टर्स, इंसुलेटर और कार्ब्यूरेटर. कार्ब्यूरेटर नहीं है, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. यू हैव टू चूज फ्रॉम ऑल दीज थ्री ऑप्शन. तो सेमी कंडक्टर्स आर दोज डिवाइसेज दैट फ्लो द करेंट विदाउट रेजिस्टेंस. सेमी कंडक्टर आपके डिवाइसेज होते हैं जो नो रेजिस्टेंस के साथ करंट फ्लो करते हैं. तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे कि आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर सेमी कंडक्टर्स. तो करेक्ट आंसर इज सेमी कंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप स्टूडेंट आप भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में पूरी वीडियो देखने के बाद आप मुझे जरूर बताएंगे कि आज आपका स्कोर आउट ऑफ 50 कितना रहने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RIMC में आया हुआ भी है. इलेक्ट्रॉन्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, यू नो दैट हमारा जो एटम होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो रदरफोर्ड ने दिया था. तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया था रदरफोर्ड ने, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं. तो आपका जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन्स आपके रोटेट कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड. बोहर मॉडल, इन्होंने अपना एक अलग मॉडल दिया था एटम का, जेजे थॉम्सन और रैमसे. करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेजे थॉम्सन इज द करेक्ट आंसर. तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इलेक्ट्रॉन्स. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लीवर मिल्क, एग योक, फिश लीवर ऑयल इज द सोर्स ऑफ, इनसे आपको कौन से वाइटामिन मिलते हैं? तो दे विल ऑल गिव यू द वाइटामिन डी. मिल्क इज द ग्रेट सोर्स ऑफ वाइटामिन डी. एग योक, फिश लीवर ऑयल विल गिव यू द वाइटामिन डी दैट विल हेल्प टू मेक योर बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग. तो वाइटामिन डी इज द करेक्ट आंसर. दीज आर द सोर्स ऑफ वाइटामिन डी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय, यस स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन से. इस बार भी आपका एक क्वेश्चन आया था, एवरी ईयर यहां पर एक क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन से. हाइड्रा इनमें से किस टेक्निक से रिप्रोड्यूस करती है? बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग. सो करेक्ट आंसर इज फॉर हाइड्रा. यू नो दैट हाइड्रा इज अ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक एनिमल है, जूलॉजी में पढ़ते हैं. इट हैज अ टेंटिकल लाइक दिस. तो यहां पर जो पेरेंट प्लांट होता है उसमें अराइज होती है एक बर्ड, और जब बर्ड यहां पर मैच्योर हो जाती है तो इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो एज अ सेपरेट हाइड्रा. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग. तो दिस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एक्वेटिक और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. तो बडिंग इज द प्रोसेस बाय विच हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस और प्रोड्यूसेस अ ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. स्टारफिश में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन से तरह का होता है? इंटरनल, इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी, या एसेक्सुअल मेथड करती है? नो, दिस इज इनकरेक्ट. तो यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. इसमें क्या होता है? इसमें आ एनिमल ले लॉट्स ऑफ एग्स और थाउजेंड्स ऑफ एग, देन मेल कम एंड लिबरेट इट स्पर्म्स ऑन इट. दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है स्टारफिशेज में? एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो बी इज द करेक्ट आंसर.
लाइट ईयर इज रिलेटेड टू डैश एनर्जी स्पीड डिस्टेंस इंटेंसिटी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सोलर सिस्टम से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो सैटेलाइट्स को लेके हो या एस्ट्रोनॉमी को लेके हो. तो लाइट ईयर यहां पर किसके लिए है? तो लाइट ईयर इज फॉर द डिस्टेंस, बिकॉज जो हमारी सोलर और हेवनली बॉडीज होती है, जिन्हें कैलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, उनकी अगर हमें स्टडी करनी है तो यहां पर डिस्टेंस क्या होता है? लैक्स में होता है, करोड़ में होता है, किलोमीटर. तो इतनी बड़ी यूनिट को पढ़ने के लिए हम यहां पर जो यूनिट यूज करते हैं इनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो होती है लाइट ईयर. तो लाइट ईयर इज द यूनिट दैट इज यूज फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज फॉर टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which of the following is chemical change? इनमें से chemical change कौन सा है? Chemical change कौन से होते हैं student? That is irreversible, जिसको revert ना किया जा सके. These are permanent type of changes. तो irreversible reaction जहां होती है, और permanent change जो होते हैं वो हमारे chemical change होते हैं. तो evaporation of water, this is a type of physical change, आप इसे वापस से revert कर सकते हैं. Sublimation of naphthalene balls, curdling of milk and condensation of vapors, vapors को वापस से change किया जा सकता है. यहां पर आपका जो सबलाइम हो जाती है नेफ्थलीन बोल, ये ऑल्सो द फिजिकल चेंज. एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यहां पर एक बार जब दूध के लैक्टोज को चेंज कर दिया जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में. तो यहां पर दिस इज योर lactose will change into lactic acid. And sublimation of naphthalene bowl, यहाँ पर जो आपकी solid है वो directly किस में change हो रहा है? Gas में change हो रहा है. तो यहाँ पर आपका new product बनता है solid से gas. यहाँ पर ये भी क्या है? आपका physical change है, और solid से यहाँ पर water से किस में बना? Gas में. Water जो है यहाँ पर solid बन गया है, फिर से आप इसे change कर सकते हैं, evaporate होके वो gas में बदल गया है. तो आपका जो liquid है वो gas बन गया है. तो यहाँ पर जो lactose sugar है milk कि वो किस में चेंज हो गई है? लैक्टिक एसिड में, खट्टा हो चुका है. तो यहां पर न्यू सब्सटेंस मिला है आपको मिल्क से, कर्ड. तो दिस इज योर केमिकल चेंज. तो सी इज द करेक्ट आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हरगोविंद खुराना हैज रिसर्च्ड ऑन सिंथेसिस ऑफ सिंपल डीएनए, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड, रिडक्शन ऑफ म्यूटेशन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल. तो हरविंद खुराना का जो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है अपने साथ में दो कोलीग्स के साथ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कोड. इन्होंने पूरा जेनेटिक कोड स्टडी किया था ह्यूमन का अपने कोलीग्स के साथ, एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस ऑल्सो. तो हरविंद गोविंद खुराना हैज रिसर्च ऑन द जेनेटिक कोड, ऑप्शन बी इज करेक्ट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज, इनमें से कौन सी डिजीज है जो ड्यू टू द एयर फैलती है? तो मिजेलिस, टाइफॉइड, पिंक आई, नन ऑफ द अबव. मिजेलिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टाइफॉइड इज द इन्फेक्शन दैट इज कॉज ड्यू टू द कंटामिनेटेड वाटर. मिजेलिस होती है आपकी एयरबोर्न डिजीज, दैट इज अ वाइटल रेस्पायरेटरी इलनेस होती है. तो ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द एयर, एयर से इसके वेपर मॉलिक्यूल से, और हम बोल सकते हैं इसका वायरस फैलता है. तो दिस इज मिजेलिस, एयरबोर्न डिजीज, ए इज द करेक्ट आंसर. Which technology is used to squeeze water from soaked cloth in the washing machine? Washing machine में जो clothes आपने wash किए हैं, वो किस टेक्नोलॉजी से उनमें से वाटर को स्क्वीज किया जाता है? इवेपोरेशन, दिस इज द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर. डिकेंटेशन, दिस इज द पोरिंग ऑफ प्योर वाटर इनटू द अदर यूटेंसिल. सेडिमेंटेशन, दिस इज द सेटलिंग ऑफ द इम्प्योरिटी. सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड ऑफ रोटेशन, जहां पर आप रोटेट करके वाटर को स्क्वीज किया जाता है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द स्काई अपियर्स ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ, क्योंकि मून से देखने पर स्काई हमें ब्लैक नजर आती है. वाई? बिकॉज ऑफ द नो एटमोसफेयर एट ऑल. यहां पर ये करेक्ट आंसर है कि यहां पर क्या नहीं होता? एटमोसफेयर नहीं है. यू नो दैट मून हैज नो एटमोसफेयर, ग्रेविटी भी 1/6 है अर्थ से उसकी. तो लैक ऑफ क्लाउड ऐसा नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट देयर, नन ऑफ दीज. तो यहां पर क्या है? एटमोसफेयर ही नहीं है, प्रॉपर एयर का कंपोजिशन ही नहीं है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, इसलिए स्काई वहां से हमें ब्लैक नजर आता है फ्रॉम द मून से. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लोनिंग, क्लोनिंग होता है सेम क्लोन्स रेड करना, तैयार करना, सेम क्लोन्स और द सेम कॉपीज, उसे कहते हैं क्लोनिंग. तो ये किस तरह का रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल, सिस्ट फॉर्मेशन, एसेक्सुअल. तो इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी हैव टू मेट द मेट बोथ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन होता है वहां पर. लेकिन एसेक्सुअल में आप यहां पर इसको, इट इज अ टाइप ऑफ जिसमें सेल्स को निकाल लिया जाता है, स्टेम सेल्स को और उनके एम्ब्रियो को निकाल के फर्टिलाइजेशन
कराया जाता है तो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्लोनिंग. When new plants are obtained from the parts of old plant without the help of any reproductive organ, जब आप new plant obtained करते हैं from the any part of plant, that is known as, जब आप यहाँ पर reproductive organ नहीं use कर रहे हैं, like potato की जो eyes होती हैं, sugar cane के node से आप नए sugar cane grow करते हैं, bryophyllum leaf से नई bryophyllum का plant arise हो जाता है, ginger से, इसी तरह onion के bulb से, तो ये किस तरह का reproduction है, तो it is a type of vegetative प्रोपगेशन. जहां पर रिप्रोडक्टिव सेल्स की नीड नहीं होती, प्लांट का कोई भी पार्ट अराइज कर सकता है न्यू प्लांट, जैसे कि ग्राफ्टिंग मेथड इन रोज. रोज में भी आप उसकी कलम से नया रोज लिबरेट कर सकते हो, तो इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन एवरी ईयर. Why is LPG used as domestic fuel mixed with strong smelling volatile liquid with mercaptan? जो आपका LPG होता है, that is the composition of methane, ethane और propane से आप बनाते हैं, but these are the non-smelly. तो जो आपकी LPG है, liquefied petroleum gas, जो आपकी क्या है, cooking gas. तो आप जो कुकिंग गैस यूज करते हैं, यहाँ पर लिक्विफाइड कुकिंग गैस, उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल के लिए एक वोलेटाइल लिक्विड ऐड किया जाता है, जिसको मरकैप्टेन कहते हैं. क्यों? फॉर बेटर कंबशन, फॉर गुड स्मेल, नो. फॉर डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज, फॉर हायर कैलोरीफिक वैल्यू, नो. इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज, क्योंकि जो आपका ये कंपोजिशन है, इससे आपको पता नहीं चलता है. तो मरकैप्टेन एक हाईली स्मेली लिक्विड होता है, लिखा हुआ है वहां पर, जिससे कि आपको लीकेज का पता चल जाए कि गैस लीक तो नहीं हो रहा है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर. राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ, राइजोबियम किसके न्यूट नोड्यूल्स में आपको मिलता है? तो राइजोबियम आपको मिलेगा इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. राइजोबियम होता है जो आपका हेल्प करता है किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज करने के लिए. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में ये मिलता है. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हॉर्मोन इज कॉल्ड. आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं, मैंने भी बताया था ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स उसके लिए प्रेजेंट होती हैं, तो वो कौन सी ग्लैंड होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स, लाइक आपका थायरॉइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेंक्रियास. तो एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम दैट विल प्रोड्यूस द हॉर्मोन. तो सी इज द करेक्ट आंसर. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड यूजिंग द कॉन्वेक्स साइड. आपके स्टील का स्पून का जो कॉन्वेक्स साइड होता है, वो क्या किस लिए यूज होता है, कौन सी इमेज वो फॉर्म करता है? दैट इज इरेक्ट एंड स्मॉलर. यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? सीधी बनती है लेकिन स्मॉलर इन साइज होती है. तो जो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, तो स्टील इन स्पून का जो आपका कॉन्वेक्स साइड होता है, उसमें ये दिस इज द कॉनकेव, ये जो इंटरनल पोर्शन है ये लाइक अ केव है. तो दिस इज योर कॉनकेव साइड एंड दिस वन इज योर कॉन्वेक्स साइड. इरेक्ट और स्मॉलर इज, तो यहां पर जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है और इरेक्ट और साथ ही छोटी बनती है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेरिक प्रेशर जिसके लिए आप यूज करते हैं, बैरोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर. बिकॉज हमारा एटमोस्फेयर ऑल द टाइम हम पर एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसको क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो ये प्रेशर जो शो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज CM ऑफ मर्करी. और कितना जो यहाँ पर जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक वैल्यू है वो कितनी है, 75.3, 76 mm, 76 सेंटीमीटर. तो करेक्ट आंसर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. और अगर ये mm में आएगा तो यू विल मल्टीप्लाई इट विद 10, तो दैट इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी. तो यहाँ पर हम इसकी यूनिट, ये एक कॉलम लाइक होता है जिसमें आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज कॉज ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड. अगर आपकी थायरॉइड ग्लैंड इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करती है तो आपको कौन सा डिजीज हो जाता है? तो थायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है स्टूडेंट? दैट इज थायरोक्सिन. थायरोक्सिन विल हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आयोडीन. और अगर आयोडीन का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो यू विल सफर फ्रॉम अ डिजीज दैट इज नोन एज गॉइटर, जिसमें आपका नेक पोर्शन थायरॉइड ग्लैंड बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज गॉइटर. लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन यूनिट. अगर आप जो साउंड की लाउडनेस होती है वो किस यूनिट में मेजर की जाती है? डेसिबल, हर्ट्स, मीटर, मीटर पर सेकेंड. तो द यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल. तो लाउडनेस मेजर की जाती है किसमें? डेसिबल में. तो ए इज द करेक्ट आंसर. हर्ट्स में मेंशन होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी के लिए.
राइनो हॉर्न इज मेड अप ऑफ, जो राइनोसोर्स होता है विद अ वन हॉर्न इट नोज, वो किससे बना होता है? कैरेटिन, इलास्टिन, कॉलेजन, फिब्रियन प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर इज कैरेटिन। कैरेटिन से ये बना होता है, हमारे ईयर में भी कैरेटिन होता है। तो राइनो का जो हॉर्न है वो किसका बना होता है? अ प्रोटीन, दैट इज कैरेटिन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल। अ सोर्स, जिसको एक बुक होती है जिसको IUCN जनरेट करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बुक जनरेट होती है जिसमें आपके जो भी एंडेंजर्ड एनिमल है, मीन्स दैट आर एट द एज ऑफ द एक्सटिंक्शन, की एज पर आ चुके हैं, उनकी पूरी जो इसमें लिखी होता है सारा डिटेल एंडेंजर्ड का, वो किस बुक में होता है? ग्रीन स्टैम्प बुक, ग्रीन डेटा बुक, रेड डेटा बुक। तो करेक्ट आंसर इज रेड डेटा बुक। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू, लाउडनेस जो है साउंड की वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो लाउडनेस ऑफ साउंड विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा था लास्ट क्लास में, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा आपकी साउंड होगी। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दीज आर द 50 क्वेश्चन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर RIMC। आई होप आपने पूरी वीडियो को वॉच किया होगा। वीडियो को लाइक करें प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। बाय बाय।